Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Bilal Azam and you are watching my channel Being a Traveler. और Being a Traveler Bilal Azam इस वक्त पहुँच चुका है एक नए मुल्क और एक नए शहर में जिसका नाम है मैसेडोनिया और इनकी लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है मैकेडोनिया. और मैकेडोनिया के इस वक्त जो शहर है इसका कैपिटल जिसके अंदर मैं हूँ इसका नाम है स्कोपिए. स्कोपिए बड़ा ही डिफरेंट किस्म का नाम है और अगर आप आ भी रहे होते हैं इस शहर के अंदर तो इसको तीन चार नामों से पुकारा जाता है. इसके स्पेलिंग अगर आप देखें इसके स्पेलिंग में सी भी यूज़ होता है, स्कोपिए स्कोपचे के तौर पे भी बोला जाता है, स्कोपिए जब बोला जाता है तो इसके अंदर जे आ जाता है. इसके अलावा टर्किश लैंग्वेज में इसको शकूप बोला जाता है और अल्बानियन लैंग्वेज में खाली इसको शकूप बोला जाता है. हर इलाके ने अपनी लैंग्वेज के अंदाज से इस शहर का नाम रखा हुआ है. तो ये इनका है कैपिटल शहर. तो मुल्क तो नया है और शहर भी नया है लेकिन पार्टनर मेरा अपना पुराना gozyan.com ही है और gozyan.com के साथ ही मिलके हम लोग आज स्कोपिए शहर को एक्सप्लोर करेंगे. और अगर आप लोग भी अपने किसी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो सर्च gozyan.com जहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट्स, अपने होटल्स, अपने टूर्स वगैरह सब कुछ बुक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से भी और उसके साथ साथ आप उनकी पर्सनल असिस्टेंस भी ले सकते हैं. तो स्कोपिए और मैकेडोनिया का जो मुल्क है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुल्क है. जैसे आपने मेरी पिछले एपिसोड्स में देखा था अल्बानिया के बारे में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हिस्ट्री से रिलेटेड. जो मैकेडोनिया है या मैसेडोनिया है इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ का इसके साथ भी ताल्लुक है जो ये आपस में बाल्कन रीजन जो है वो शेयर करते हैं. तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो बाल्कन रीजन क्योंकि इसको कहते हैं और माउंटेन्स वाला इलाका है तो ओवरऑल पूरे एरिया का 85% इस पूरे मुल्क के अंदर माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं. तो आप हिसाब लगा लें जो मेरे ख्याल 90-95% जो मोंटेनेग्रो था बाल्कन रीजनल कंट्री वो 90-95% थे उसमें माउंटेन्स और इसके कोई 80-85% है. तो शहर बहुत खूबसूरत है. जहाँ पे माउंटेन्स होती हैं वो शहर वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है. ऊपर नीचे शहर होता है उसकी बड़ी ज़बरदस्त लुक आती है. तो इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ स्कोपिए शहर का बहुत फेमस मॉल है, इसका नाम है वेरो सेंटर मॉल. और आपस की बात है मैं आज दो दिन रेस्ट करने के बाद निकला हूँ इस शहर को एक्सप्लोर करने. उसकी वजह आपने मेरी पिछले एपिसोड में देख ली होगी कि मेरे साथ पिछले एपिसोड में क्या हुआ था अल्बानिया के अंदर. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ था, बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी, मुझे रेस्ट भी चाहिए था, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स भी करना था. तो मैंने ईजी होके दो दिन गुजारे आराम से इधर. वो जो दो दिन एक सोवो में गुजारने थे वो दो दिन मैंने फिर रेस्ट करके गुजारे, एडिटिंग शेडिटिंग की, आपके लिए नई एपिसोड रिलीज़ की. तो एनीवेज अब मैं निकल पड़ा हूँ. आज ओवरऑल मेरा वैसे तीसरा दिन है तो इंशाल्लाह आज इनका जो छोटा सा ओवरऑल शहर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हिस्ट्री मज़ेदार है. चलते जाते हैं और आपको यहाँ की खूबसूरती भी दिखाता हूँ और ओवरऑल इसकी हिस्ट्री भी बताता जाता हूँ. ये जो रिवर इस वक्त आपको साइड पे नज़र आ रहा है पिछले बाल्कन कंट्रीज़ की तरह इसमें भी ये खूबसूरत रिवर गुजरा है. इसका नाम है वरदार रिवर
और जितने भी अगर आप इसकी स्ट्रीम्स देखेंगे ये पूरे शहर में से गुजरती हुई जा रही हैं। और इसकी खूबसूरती क्या लगती है कि एक तो इसके साथ इन्होंने वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है, साइकिल चलाने की जगह है, लोग यहाँ पे वॉक करते हैं फिर इधर आके ऊपर बैठते हैं। प्लस इसकी खूबसूरती क्या लगती है कि जो इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट ब्रिजेस बने हुए हैं डिफरेंट स्टाइल के, उसके ऊपर जब ट्रैफिक गुजर रही होती है और पीछे खूबसूरत आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं तो वो इस शहर की खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि 2011 के अंदर जो स्कोपिया की गवर्नमेंट थी इन्होंने डिसाइड किया कि यार हमने टारगेट करना है कि हमने अपने पूरे शहर को टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बनाना है और इसकी ब्यूटिफिकेशन पर काम करना है। इसकी बेस के ऊपर इन्होंने पूरे शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया और जगह जगह के ऊपर इन्होंने डिफरेंट जो इनके काफ़ी हीरोज़ थे उनके स्टैचूज़ वगैरह लगाए, अपनी बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाया और ये प्रोजेक्ट इनका चलता जा रहा है और यानी टारगेट कर रहे हैं प्रॉपर ये टूरिज़्म को। तो मेरे पीछे मुझे काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, 3-4 मुझे स्टैचू अभी नज़र आ गए हैं और भी इस जगह पर मुझे नज़र आते जाएंगे, लेकिन एक स्टैचू है जो इनका सबसे फेमस स्टैचू है वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा, उसको सेंटर ऑफ द सिटी भी कहते हैं और ओवरऑल स्कोपे मैसेडोनिया का स्केयर भी कहा जाता है। तो चलते हैं इस रिवर की वॉक करते हुए अपने मैसेडोनिया स्केयर के पास, चलता मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें इन जितने भी कंट्रीज़ हैं ये बालकन, इनकी आबादी बहुत कम है, पूरे मैसेडोनिया की आबादी जो है सिर्फ 20 लाख है और इस शहर की आबादी 6 लाख है। तो अब आप वहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस शहर के अंदर कितने कम कम लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं जिस तरह ये लोग पैसा लगा रहे हैं अपने मुल्क के ऊपर, आल्दो ये एक गरीब यूरोपियन कंट्री के अंदर आते हैं लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप का टूरिज़्म जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो सके। तो अभी मेरे सामने अगर मैं देखूँ यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग्स मेरे पीछे अगर आप देखें दरिया के साथ आपको वो भी नज़र आ रही है, पीछे नज़र आ रही है और बड़े खूबसूरत ये डॉम्स बना रहे हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपना झंडा लगाया हुआ है। अच्छा, अगर आप ओवरऑल मैसेडोनिया की लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन आप देखें तो ये टर्की से थोड़ा सा ऊपर बल्गारिया और बल्गारिया से इसके साथ ग्रीस है और ग्रीस से ऊपर ये है मैसेडोनिया। अब सीन क्या है, सीन ये है कि ये जो मैसेडोनिया का इलाका है किसी ज़माने में ये अल्बानिया का पार्ट हुआ करता था और जो स्पेशली जो मैसेडोनिया का नीचे वाला पोर्शन है ये ग्रीस का पार्ट हुआ करता था। सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका इलाका यही मैसेडोनिया था, यहीं का वो रहने वाला था बेसिकली, लेकिन जहाँ पे वो पैदा हुआ था वो इलाका आज ग्रीस के अंदर शामिल है। अलेक्जेंडर के बाद फिर ये रोमन अम्पायर के अंदर आ गया ये इलाका, रोमन के बाद फिर बाइजेंटाइन अम्पायर आई उसके अंदर आ गया, बाइजेंटाइन के बाद फिर ऑटोमन अम्पायर आई, 500 साल तक ऑलमोस्ट ये ऑटोमन्स के अंडर रहा, फिर ये योगोस्लाविया का पार्ट बन गया और अल्टीमेटली 1991 में जाके मैसेडोनिया ने जाके इंडिपेंडेंस ली। मेरे सामने आ गया बिल्कुल इनका जो स्कोपिया स्केयर है, इंडिपेंडेंस स्केयर भी इसको कहा जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा मुजस्मा लगा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ और फिर इनकी बाकी की स्टोरी सुनाता हूँ कि इनके फंडे क्या चल रहे हैं और इनकी इंडिपेंडेंस इन लोगों ने कैसे हासिल की। ऑलराइट जी, तो मैं पहुंच गया हूं अब इनके मेन सिटी स्क्वायर जिसका नाम मैसेडोनिया स्क्वायर है और इस पूरे शहर की जितनी भी सेलिब्रेशन होती हैं, इनकी पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी इसी इलाके के अंदर होती हैं, इसी एरिया के अंदर होती हैं और यहां पे जितनी भी इनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो भी इसी स्क्वायर के साइडों के ऊपर हैं। तो ये बड़ा इनका सिटी का बड़ा कल्चरल हब है, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं वो भी इसी जगह के ऊपर आकर होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैसेडोनिया ने यानी नॉर्थ मैसेडोनिया ने अपनी जो इंडिपेंडेंस ली थी योगोस्लाविया से वो ली थी 1991 में, तो अपनी 20 साल की जब इनकी इंडिपेंडेंस डे आया उसके ऊपर इन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टैचू पीछे लगाया जो आपको पीछे नजर आ रहा होगा, एक बहुत बड़ा घोड़ा है और उसके ऊपर एक वॉरियर बैठा हुआ है और एक्चुअल में ये स्टैचू इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट का बनाया था। अब मसला क्या है, मसला ये हुआ कि यार जो अलेक्जेंडर था वो उसका ताल्लुक मैसेडोनिया के साथ था, लेकिन आज वो इलाका मैसेडोनिया का वो शहर जहाँ पे अलेक्जेंडर पैदा हुआ था वो शहर जो है आज वो ग्रीस के अंदर है। इसकी वजह से जैसे इन्होंने ये स्टैचू रिवील किया जो ग्रीस था उसने फटा डाल दिया कि भाई हम अलेक्जेंडर द ग्रेट को ऑन करते हैं, आपको कोई हक नहीं है कि आप अलेक्जेंडर का स्टैचू लगाएं और उसको ऑन करना शुरू हो जाएं, आपका नाम मैसेडोनिया ज़रूर है लेकिन वो है हमारे शहर, वो है हमारे इलाके में, लिहाजा वो ग्रीक था और हम उसको ऑन करते हैं तो लिहाजा इसको उतारें यहाँ से।
बहरहाल ये बहुत बड़ा उनका फड्डा चलता रहा और फिर अल्टीमेटली ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हुआ कि यार हम स्टैचू लगा रहेगा, इसको हम उतारेंगे नहीं। बहुत मिलियन डॉलर्स का हमने ये खड़ा किया स्टैचू, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बजाय इसका नाम अब रख दिया हॉर्स ऑन अ वॉरियर या वॉरियर स्टैचू, तो अब इसको ये कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ये है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की निशानी के तौर पर इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो इस तरह इनके अब ग्रीस के साथ काफ़ी फड्डे चलते रहते हैं, बिकॉज दोनों की हिस्ट्री सेम है, दोनों का इलाका सेम है, नाम सेम है, तो उसकी वजह से अब इनकी और ग्रीस के फड्डे चलते रहते हैं। अब इनकी मज़ीद क्या इनके फड्डे चलते रहे हैं, इनके नामों के बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करता हूँ। अच्छा, इन कंट्रीज़ के अंदर आपको जगह जगह के ऊपर ऐसे वॉकिंग टूर्स नज़र आएंगे। कोई ना कोई लोकल गाइड मिल जाता है, वो हॉस्टल से लोगों को पकड़ता है और इस तरह लेके निकल पड़ता है। ये देखें, एक टोली ये जा रही है, एक टोली ये सामने खड़ी है, लोकल लोग इस तरह अर्निंग करते हैं यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी ये थोड़ा थोड़ा सा कल्चर आ रहा है, लेकिन फिर भी मज़ीद फ़रोग देने की जो है वो ज़रूरत है। तो इस तरह अगर आप देखें, यहाँ पे काफ़ी लोग पूरे यूरोप में और ये बाल्कन्स के अंदर स्पेशली, जितना मैं भी फिर हूँ, मुझे हर जगह पे यही कल्चर नज़र आया। उसके बाद जब इनका नेक्स्ट डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, वो था इनका झंडे के ऊपर। इन लोगों ने 1992 के अंदर अपना झंडा जब बनाया, तो इन्होंने एक सन का निशान रखा, वर्जीनिया सन उसको कहते हैं, वो इन्होंने अपने फ्लैग के अंदर रखा। उसके ऊपर भी ग्रीस ने कहा कि यार ये तो हमारा ग्रीक सिंबल है, ये आप लोग नहीं रख सकते, अगर आप अब अलहदा हो गए मैसेडोनिया से तो अब आप अपना अलहदा रखें कुछ ना कुछ। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनके मसले मसाइल चलते रहे। अल्टीमेटली इन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है, हमने रखना अपने फ्लैग के अंदर सन ही है, सूरज ही अपना निशान रखना है। तो इन लोगों ने फिर एक सूरज का नया डिज़ाइन बनाया और आज अब इनका जो फ्लैग है, सेंटर में इनका सन है, 8 इसकी रेज हैं, और इसका मतलब इन लोगों ने जो डिफ़ाइन किया वो है लिबर्टी, और रोशनी फेंक रहे हैं, हर तरफ रोशनी बिखर रही है। तो ये लोग इसीलिए बाल्कन रीजन पूरा का पूरा जो है, ये पूरा डिस्प्यूट्स ही चलती रही हैं इस पूरे इलाके के अंदर। इसलिए आप देखते हैं कि आज तक ये इलाका जितने भी शेंजन स्टेट्स हैं, जितने मुल्क हैं, उनके अंदर शामिल भी नहीं हो पाया हुआ, और इवन ये यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बेचारा नहीं शामिल हो पा रहा, जस्ट ग्रीस की वजह से कि उन लोगों के ये फटे चलते हैं कि यार क्योंकि ग्रीस का मसला है इसके साथ, और ग्रीस इनको यूरोपियन यूनियन में भी नहीं ऐड होने देता। तो चलते चलते अब मैं एक और बड़ी हिस्टोरिकल जगह के ऊपर आ गया हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा ही फेमस मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, यानी जब कोई बंदा कामयाब हो जाता है तो हर बंदा उसके साथ उसको ऑन करना शुरू हो जाता है कि यार ये तो मेरा जानने वाला था, या ये तो मैंने इसको सपोर्ट किया था, या ये यहाँ पे पढ़ा था। बिल्कुल ऐसे जैसे कभी किसी के मैट्रिक में कोई बंदा टॉप कर लेता तो हर एकेडमी बताती है कि इसने पहली क्लास मेरे साथ पढ़ी थी, इसने 8th क्लास मेरे साथ पढ़ी थी। तो इसी तरह ये जो मदर टेरेसा हैं और अलेक्जेंडर है, इनको इस पूरे इलाके के लोग ऑन करते हैं, और हर बंदा, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस हो गए, तो हर मुल्क चाहता है कि उन कामयाब लोगों का नाम उनके मुल्क से जुड़े। तो जैसे मैं पिछले मुल्क के अंदर था, अल्बानिया के अंदर, तो मदर टेरेसा को वो लोग इसलिए ऑन करते हैं कि मदर टेरेसा एक्चुअल में एक अल्बानियन घर के अंदर पैदा हुई थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी मदर टेरेसा का ताल्लुक जो है अल्बानिया के साथ है। लेकिन अब क्योंकि मैं स्कोपिये शहर के अंदर हूँ, मेरे पीछे जो आपको घर नज़र आ रहा है ये है मदर टेरेसा का एक्चुअल घर, जहाँ वो पैदा हुई, और 1910 के अंदर पैदा हुई थी, जिस ज़माने में ऑटोमन्स यहाँ पे हुकूमत करते थे, क्योंकि ऑटोमन्स यहाँ से गए हैं 1912 में, और 1928 तक वो यहाँ पे रही, और उसके बाद फिर वो ट्रैवल करती हुई अल्टीमेटली इंडिया चली गई, और इंडिया में उसकी फिर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने बहुत ज़्यादा काम किया, और अल्टीमेटली 1997 के अंदर उसकी कलकत्ता के अंदर डेथ हुई थी।
ऑलराइट जी, सो दैट वाज मॉडर्न एंड न्यू एरिया ऑफ स्कोपिये शहर। तो अभी आप चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है इनका ओल्ड टाउन और ओल्ड एरिया। तो हम एक ब्रिज क्रॉस करेंगे और ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम एंटर हो जाएंगे इनके ओल्ड टाउन के अंदर, जिसको ओल्ड बाज़ार एरिया भी कहते हैं। और मुझे ओल्ड टाउन जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली बाल्कन्स के अंदर, क्योंकि जितने भी ओल्ड टाउन हैं वो सारे के सारे इनके ऑटोमन के दौर के बने हुए हैं। और जब जब जितने साल ऑटोमन्स ने यहाँ पे हुकूमत की, उन लोगों ने यहाँ पे बाज़ार बनाए। तो गाइस, ये वो ब्रिज है मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, जो ऑटोमन्स ने बनवाया। और था इसकी जो बेसिस हैं वो तो थी रोमन्स ने रखी, लेकिन इस वक्त जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाया, जिसने इस्तांबुल को फतह किया था, और उसी ने ये वाला ब्रिज भी बनाया मैसेडोनिया के अंदर। और ये वाला जो ब्रिज है वो न्यू स्कोपिये सिटी को ओल्ड टाउन के साथ कनेक्ट करता है। और यहाँ से अगर आप देखें, जोग दर जोग लोग ओल्ड टाउन जा रहे होते हैं और जोग दर जोग आ रहे होते हैं। और यही जो ब्रिज है ये स्कोपिये शहर और मैसेडोनिया की पहचान भी है। अगर आप इनके फ्लैग के ऊपर भी देखें, इनके बैजेस के ऊपर देखें, तो ये वाला ब्रिज, और फिर अभी हम एक फोर्ट के ऊपर जाएंगे, वो फोर्ट, ये ब्रिज और इनका जो दरिया नीचे बह रहा है, ये तीन इनके ओवरऑल मैसेडोनिया और स्कोपिये शहर की निशानी भी है। तो अब हम भी ज़रा इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ऑलमोस्ट 700 फुट ये लंबा है, जो पूरे दरिया के ऊपर इन लोगों ने बनाया हुआ है। ऑल्दो मुझे और बाकी सारे ब्रिजेज बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन ये इसमें डिफरेंट जो है वो आर्चेस बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट 12 आर्चेस ये बनी हुई हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी इन सब लोगों में शामिल होते हैं और चलते हैं अब ओल्ड टाउन और ओल्ड स्कोपिये शहर को एक्सप्लोर करने। ओके जी, तो ब्रिज उतरने के साथ ही हम लोग एंटर हो गए अब इनके ओल्ड एरिया में, यानी कि ऑटोमन एरिया के अंदर। तो अब चलते हैं यहाँ पे, अब हमें थोड़ा सा इस्लामिक टच भी नज़र आएगा और ऑटोमन पीरियड का कुछ 500 साल जो उन्होंने यहाँ पे गुजारे, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी गलियाँ, उनके बाज़ार, वो देखेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं बताता चलूँ, जैसा कि इस एरिया के अंदर ऑटोमन्स रहे और काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों की आबादी बिखरी हुई है, तो इस मुल्क के अंदर, मैसेडोनिया के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो 60% ओवरऑल क्रिश्चियंस हैं और 30% जो हैं वो मुसलमान हैं, और जो 10% है वो मिक्स हैं, एथीस्ट नॉर्मली ज़्यादा हैं, और फिर बाकी लोग जो हैं, जो जितने भी और रिलीजन के हैं वो लोग हैं। जितने भी ये ऑटोमन एरिया के अंदर लोग रहते हैं, ये लोग मुसलमान हैं, और इनको अल्बानियन बैकग्राउंड वाले लोग कहा जाता है। ये देखें, जो मैं अभी आपको फ्लैग वाली स्टोरी सुना रहा था, ये इनका पुराना फ्लैग था और ये इनका नया फ्लैग है, तो अभी भी ये दोनों फ्लैग ही यूज़ कर रहे हैं। जी, ये हैं गलियां और ये हैं बाज़ार। वैसे तुर्किश लैंग्वेज में इसको पी से कहते हैं बाज़ार, हम लोग बी से कहते हैं बाज़ार, और जिस तरह कबाब भी जो है वो तुर्किश लैंग्वेज में कबाब कहते हैं। तो ये वो गलियां हैं, ये वो पत्थर हैं, काफ़ी ऊंचे नीचे हैं, टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी आप यूँ समझ लें कि कोई 600-700 साल पुराने। चलें जी, चलते चलते ये मॉस्क आ गई, इसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा मॉस्क। काफ़ी तुर्की स्टाइल के अंदर ही बनी हुई है, पुरानी है लेकिन कमाल पाशा के नाम की है। तो जुम्मा है आज, मैं नमाज़ भी पढ़ लेते हैं अंदर। मैं अपनी तरफ से मस्जिद में गया था कि 1 बजे जुम्मे का टाइम होगा, इनकी जोहर जो है वो 11:30 बजे हो जाती है, तो वो कहती है जी जुम्मा तो 12 बजे का ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने जोहर असर को मिला के पढ़ लिया इकट्ठे। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं हम, भूख अब शदीद लगने लग गई है। बाज़ार की गलियां हम फिरते जाएंगे, लेकिन पहले अब पेट पूजा करनी पड़ेगी,
तो अब देखते हैं मुझे कहीं पे अच्छा सा डोनर कबाब या कोई टर्किश कोफ्ते कहीं पे नज़र आ जाए। तो जी 150 दिनार का मैंने ले लिया, करेंसी मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये इनकी करेंसी है, इनकी करेंसी दिनार ही है, जैसे मुझे सर्बिया में मिली थी उनकी भी दिनार थी, इनकी भी दिनार है, इनको मैसेडोनिया का दिनार कहते हैं और ये पाकिस्तान का 4 times है। तो अभी मुझे 150 का मिला है इनका डोनर। थैंक यू। ये है जी, यहाँ पे बैठ के खाते हैं। मज़ेदार है नहीं जी, मज़ा आ गया डोनर कबाब का। ये इसको दुरुम भी कहते हैं, डोनर भी कहते हैं, आई डोंट नो कभी ये सैंडविच भी कहते हैं इसको, और लेकिन होता यही है ओवरऑल जी। डोनर कबाब एज़ यूजुअल वाज डिलीशियस और मज़ेदार और पेट भर जाता है फुल खा के। तो अभी एक और लास्ट जगह रह गई है इस ओल्ड बाज़ार के अंदर, दैट इज़ यहाँ का जो किला है, और काफ़ी पुराना है यहाँ का किला, ओटोमन से भी पहले का बना हुआ है। तो वो जाके देखते हैं, सुना है कि वहाँ से बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे साइडों पे पतली पतली सी गलियाँ हैं और इन्होंने कैफे, अब ये जो है ना थोड़े से इंग्लिश स्टाइल के यहाँ पे बार्स वगैरह हैं और बियर शियर है। और जी तो ये शहर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पे 6th century के अंदर किला बनाया गया, लेकिन फिर एक शदीद जलजला आया जिसकी वजह से ये पूरा किला तबाह हो गया, और फिर दोबारा से रोमन एम्परर ने 10th century में इस किले को दोबारा से तमीर किया। जो जो डैमेज हो गया था उसने बड़े बड़े पत्थर और बड़ी बड़ी दीवारें दोबारा से बनाई, और ये तब का ही बना हुआ है। ओटोमन्स भी आए, उन लोगों ने भी यही यूज़ किया, इसको मज़ीद उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया। हाँ, जहाँ डैमेजेस थे वहाँ पर उन्होंने उसको ज़रूर किया, लेकिन आप इसकी दीवारें और इसकी बुनियादें वगैरह सारी देखें, जो चीज़ नज़र आ रही है ना वो यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये इतना पुराना है कि वो जो सिमेट्री है ईंटों के लगाने की वो मुझे इसमें नहीं नज़र आई, स्पेशली जो बेस की दीवारें हैं। हाँ, ऊपर आगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिर भी थोड़ी सी सिमेट्री नज़र आ रही है इन दीवारों की, लेकिन नीचे वाले जो साइडों वाले पत्थर थे वो तो बस रैंडम पत्थर जो है उन्होंने उठा के लगाए हुए थे। अगर आप देखें तो एंट्रेंस के ऊपर एक वुडन ब्रिज है बड़ा ही खस्ता हालत के अंदर, और लेकिन आगे अगर आप देखें तो दरवाज़ा बंद है। सो दैट वॉज स्कोपिया किले, और उस ज़माने में जो जब रोमन्स हुआ करते थे इस शहर का नाम शकूपी था, शकूपी, शकूपी से कन्वर्ट होता हुआ ये उशकूप शकूप और अब इनकी लैंग्वेज के अंदर स्कोपिया बन गया हुआ है। तो देखें जी, ऐसे लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ भी, और दूसरी लैंग्वेज में जबकि वर्ड जाता है तो वो भी ऐसे चेंज होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, ये ऊपर अल्बानिया के झंडे लगे हुए हैं, ये मैसेडोनिया के झंडे नहीं हैं, बिकॉज़ ये जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो अल्बानियन है बेसिकली। और जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो मदर ट्रीसा को भी वो ऑन करते हैं अल्बानियन, वो इसीलिए करते हैं कि यार उसका ताल्लुक स्कोपिया से था और स्कोपिया उस टाइम अल्बानिया का पार्ट था, तो इसलिए ये लोग अपने इस पार्ट को, मैसेडोनिया के इस शहर को, अल्बानिया का पार्ट ही समझते हैं आज भी। ये तो बड़ा फिट सीन है यार, कहाँ मैंने एक खाया डोनर और कहाँ ये कोने के अंदर आके मुझे दुकान मिली और 130 दिनार के इसने मुझे 10 कबाब दे दिए, साथ फ्राइज दिए हैं और साथ अच्छी खासी ब्रेड भी दे रहा है।
ऑलराइट जी, तो ये थी स्कोपिया शहर का छोटा सा विज़िट और इसकी हाइलाइट्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। मुझे पर्सनली ये शहर बहुत पसंद आया, जो एक इसकी नई साइड थी और इसकी पुरानी साइड थी, और एक ही शहर के अंदर जब आपको ये दो ऐसे फ्लेवर मिलते हैं बड़ा मज़ा आता है। स्पेशली जिस तरह हमारे लाहौर के अंदर भी आपको इसी तरह की चीज़ मिलती है, एक ओल्ड लाहौर एक न्यू लाहौर, इसी तरह इस शहर के अंदर भी। और सराजीवो में जब मैं था बोस्निया के अंदर, उधर भी यही टच था, तो इसलिए ये शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और स्पेशली जब कोई नया विज़िटर यहाँ पर आता है तो उसको अगर एक चीज़ नहीं पसंद आती तो दूसरी आ जाती है, या दोनों चीज़ें मिक्स भी पसंद आ जाती है मेरी तरह। तो ये तो था पूरे शहर का जो वॉकिंग टूर, आप यूँ समझ लें मैंने इसको एक्सप्लोर किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपके साथ शेयर किया। कल मेरा प्लान ये है कि मैं दोबारा से निकलूँगा और इसकी जो आउटवर्ड एरिया के अंदर, जो इसकी बाउंड्री के पास एक दो जगह हैं खूबसूरत जो नेचर से रिलेटेड हैं, माउंटेन से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा वहाँ जाऊँ, वो विज़िट करूँ, और इंशाल्लाह वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तो बाल्कन कंट्रीज़ की सीरीज़ ऑलमोस्ट अब एंडिंग की तरफ जा रही है, ऑलमोस्ट अब एक या दो एपिसोड रह गए हैं, तो जुड़े रहिएगा। जैसे आप इस वीडियोस को पसंद करते आ रहे हैं, सीरीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। और अभी बस मैं यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ, उसके बाद चलूँगा मैं अपने हॉस्टल और मिलूँगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड।